इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजकुमार मल्होत्रा जी, जो कि एक्स चेयरमैन रह चुके हैं EPCH के और इंडेक्स पो मार्ट के भी। सर, सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, सबसे पहले तो EPCH के बारे में कुछ, सर ये आज ये अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया सर, किस तरीके से? मैं EPCH का एक्स चेयरमैन हूँ, इस टाइम हम उसके मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं। EPCH एक ऐसी बॉडी है जो तकरीबन 11,000 हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स को हर लेवल पे, हर जगह पे, हर तरीके से उनको गाइड करती है, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे बायर्स हो, मार्केटिंग के लिए एग्जीबिशन। ये जो हमारा ये 22nd अवार्ड फंक्शन जो है, ये एक एनकरेजमेंट है, ये एक बूस्टर है इंडस्ट्री के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, ये मोटिवेशन है। मार्केटिंग के लिए खाली प्रोडक्ट, क्वालिटी, प्राइस तो चाहिए होते हैं, पर एक एक्सपोर्टर को जो मोटिवेशन चाहिए होता है, ये अवार्ड फंक्शन उस मोटिवेशन को एनकरेज करता है। एक्सपोर्टर्स को एक ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको बताते हैं कि यस, कि ये वाले एक्सपोर्टर्स इस समय इतने अच्छी टर्नओवर पे यहाँ तक पहुँचे हैं, ताकि जो दूसरे हैं उनको देख के उनको आगे बढ़ने की हिम्मत पड़े। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो इस फंक्शन, इस अवार्ड फंक्शन पे हम लोग करते हैं। सरकार की तरफ से किस तरीके की सहायता मिल रही है इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, क्या कहना चाहिए? भारत सरकार की तरफ से, स्पेशली अगर आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए, तो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत कुछ करने के लिए EPCH को, हमारी बॉडी को, हर जगह, चाहे वो स्किल ट्रेनिंग है या मार्केटिंग के लिए एग्जीबिशन करने के लिए हेल्प है, सब जगह इतनी हेल्प कर रहे हैं, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हमारी ग्रोथ भी हुई है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है, और लोगों को काम भी मिला है, खासकर यंग जनरेशन को। सर, क्या GST से किसी तरीके का प्रभाव पड़ा है? मार्केट स्लो डाउन आया है सर? कोई भी चीज़ जब चेंज होती है, उसका थोड़े समय पर समझने में, उसको करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है। उस टाइम के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम रही, पर ऑन द होल ये इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए और खासकर एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए बेनिफिशियल रहा है, और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। EPCH भविष्य में किस तरीके की नीतियों को लेके आगे बढ़ेगा सर, और किस तरीके से हम इसे को बढ़ता हुआ देखेंगे? EPCH की हमेशा ये कोशिश रही है कि एक्सपोर्टर्स जो है, जो छोटा एक्सपोर्टर है, बड़ा एक्सपोर्टर है, उनकी क्या समस्याएँ हैं, उनकी समस्याओं के हिसाब से हम नीतियां बना के सरकार के पास पेश करते हैं, सरकार के आगे रखते हैं, और सरकार इतनी जेन्युइन तरीके से और अच्छे ढंग से उसकी सुनती है और हमारी EPCH की मांग को मानती है। तो इसीलिए हम इस टाइम बहुत कंफर्टेबल हैं इस सरकार से, और हम चाहते हैं इसी प्रकार चलते रहे, तो हम इनको अगले साल काफ़ी टर्नओवर बढ़ा के दिखा सकते हैं। और सर, बात करने के लिए सर।